इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ चार ऐसे ब्लॉग नीश आइडिया के बारे में जिस पे आप 2024 में ब्लॉगिंग कर सकते हो और ये बिल्कुल ट्रेंडिंग नीश है और इन पे आप काम करके डेफिनेटली अपने ब्लॉग को ग्रो कर सकते हो और अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हो। आपको यहाँ पे गूगल एडसेंस के अलावा भी बहुत सारे मोनेटाइजेशन के ऑप्शन मिल जाएंगे। तो डेफिनेटली आप अगर एक 2024 के लिए ब्लॉग शुरू करना चाहते हो तो इन चार नीश में से कोई भी एक नीश आप सिलेक्ट कर सकते हो और अपने अकॉर्डिंग, जैसे कि मान लेते हैं इन चारों नीश में से जिसमें भी आपको लगता है कि मुझे इस फील्ड में ज़्यादा नॉलेज है या नॉलेज नहीं है तो नॉलेज मैं गेन कर लूँगा, तो उस टॉपिक को आप सिलेक्ट कर सकते हो और ब्लॉगिंग शुरू कर सकते हो। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। अगर आप गलत नीश सिलेक्ट कर लेते हो तो उसका खामियाजा ये होता है कि एक तो मान लेते हैं अर्निंग नहीं कर पाओगे। कोई ऐसी नीश है जिस पर ट्रैफिक तो बहुत है लेकिन उसमें CPC और हमें क्लिक्स बहुत कम मिलते हैं गूगल एडसेंस के अंदर, तो डेफिनेटली हम उससे अर्निंग नहीं कर पाएंगे भले ही हमें ट्रैफिक मिल रहा है, ठीक है। और अगर आप एडेक्स यूज कर रहे हो, अगर आपको यहाँ पे व्यूज के केवल पैसे मिल रहे हैं, ठीक है, इंप्रेशन के पैसे मिल रहे हैं, तो भी उसमें आपको ECPM इतना लो मिलेगा कि उसका कोई भी वैल्यू नहीं रहेगा, ठीक है, कोई भी मतलब प्रॉफिट आपको ओवरऑल नहीं होगा। तो चलिए देखते हैं कौन से वो चार नीश हैं जिस पे आपको ब्लॉगिंग करनी चाहिए। नीश नंबर हमारा 1 है, वो है इटालियन बोनस। इटली एक ऐसी कंट्री है जिस पे पर डे कोई ना कोई बोनस रिलीज होता रहता है और उसी को ध्यान में रख के मैंने अपने चैनल पे दिखाया था कि कैसे मैंने एक इटालियन साइट बनाई है, इटालियन आर्टिकल कैसे लिखते हैं, गूगल न्यूज़ का अप्रूवल भी मैंने उस पे लेके दिखाया, एडसेंस अप्रूवल भी मैंने उस पे लेके दिखाया था, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मैंने बताई हैं और वो जो साइट है वो देख सकते हो, इटालियन जो है बोनस से रिलेटेड ये है और इस पे बहुत से लोग चाहें तो ब्लॉगिंग कर सकते हैं इस नीश पे। और जैसे कि ये इंटरनेशनल ब्लॉग है तो इस पे CPC भी आपको काफ़ी अच्छा मिलेगा। तो ये हमारा बोनस से रिलेटेड है और मैं आपको दिखा देता हूँ इटालियन बोनस नाम से। देखो यहाँ पे bonusx.it नाम से एक वेबसाइट है, ये भी इटालियन साइट है और यहाँ पे मैं आपको इनका ट्रैफिक दिखा देता हूँ, ट्रैफिक से आपको कुछ अंदाज़ा मिलेगा। यहाँ पे देखो 6 लाख से भी ऊपर का ट्रैफिक है, अप्रॉक्स 1 मिलियन तक ट्रैफिक होगा इसका और यहाँ पे ये काफ़ी अच्छा रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं बोनस से रिलेटेड। अब आपके माइंड में आता होगा कि हम कैसे पता करेंगे कि भाई कि ये बोनस आया वो बोनस आया, हमें कैसे पता चलेगा। तो गूगल ट्रेंड का आप इस्तेमाल कर लेना। गूगल ट्रेंड का इस्तेमाल करोगे तो जो भी ट्रेंडिंग बोनस काम कर रहे होंगे वो बोनस आप लिख के सर्च करोगे आ जाएगा और यहाँ पे आप उस पर अपना कंटेंट बना देना। इसमें सबसे खास बात ये है, अगर आप डेली बेसिस पे पोस्ट लिखते हो तो आपको यहाँ पे गूगल डिस्कवर से बहुत अच्छा ट्रैफिक मिलता है और CPC भी आपको डिसेंट मिल जाता है। तो ओवरऑल अर्निंग करने के लिए ये जो नीश है बहुत ही अच्छा है, ठीक है। और मैंने यहाँ पे इस पे पूरा डिटेल वीडियो भी बनाया है कि कैसे ब्लॉग बनाएंगे, कैसे यहाँ पे हम वेबसाइट को कस्टमाइज करेंगे, यानी कि ये देख सकते हो आप, यहाँ पे मैंने कस्टमाइजेशन वाली भी वीडियो बनाई है और 7000 लोगों ने देखा है, काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स भी मिला है और साथ ही साथ अप्रूवल वगैरह लेके और साथ ही साथ यहाँ पे आर्टिकल कैसे लिखते हैं इटालियन लैंग्वेज में, ये सारी चीज़ें भी बताई हैं। तो ओवरऑल इस पे आप काम कर सकते हो, ठीक है। अब आते हैं अपने हम नीश नंबर 2 में। दूसरा हमारा नीश है मेक मनी आइडियाज़। जी हाँ, ये एवरग्रीन टॉपिक है, ठीक है। हमेशा ऑनलाइन अर्निंग के नए नए तरीके आते रहते हैं और उन्हीं तरीकों को अपने ब्लॉग में आपको बताना है, जैसे कि यूट्यूब, इंस्टाग्राम, ठीक है, ब्लॉगिंग, बहुत सारी चीज़ें, डिजिटल मार्केटिंग, मतलब आपको पैसे कमाने के बारे में ही लिखना है, ठीक है। अर्निंग ऐप से रिलेटेड हो गया, तो जितने भी कोई बिजनेस आइडिया है जिससे हम पैसे कमा पाएँ, तो बहुत सारे यहाँ पे इसके अंदर आपको टॉपिक मिल जाएंगे। तो मेक मनी ऑनलाइन रिलेटेड या मतलब ओवरऑल आपको पैसे कमाने के बारे में लिखना है। इसमें आपको CPC काफ़ी अच्छी मिलेगी, रैंकिंग अच्छी मिलेगी और इसमें भी आपको गूगल डिस्कवर से बहुत अच्छा ट्रैफिक मिलता है। अब देखो इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, स्पॉन्सरशिप वगैरह, गेस्ट पोस्ट, बैकलिंक्स के थ्रू भी आप पैसे कमा सकते हो। ऐसा नहीं है कि केवल एडसेंस ही आप पैसे कमा पाओगे, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे बोनस वाला जो है, इटालियन बोनस वाला है, इसके अंदर भी आपको बहुत सारे थर्ड पार्टी से यहाँ पे ऐड के लिए ऑफ़र मिलते हैं और साथ ही साथ बहुत सारे यहाँ पे स्पॉन्सरशिप भी मिलते हैं, ठीक है। तो ये 2 नीश हो गया। तीसरा हमारा नीश है, वो है कार एंड बाइक्स। आपको क्या करना है, कार एंड बाइक्स के ऊपर अपना ब्लॉग बनाना है। अब अभी के टाइम पे बहुत सारे इलेक्ट्रिक कार, कार के फंक्शंस और बहुत सारे यहाँ पे बजट कार,
बजट बाइक, बहुत से ऐसे टॉपिक हैं जिस पे आप कंटेंट अपना बना सकते हो। और ये भी डिस्कवर, गूगल डिस्कवर के हिसाब से बहुत अच्छा टॉपिक माना जाता है, इस पे बहुत अच्छा ट्रैफिक मिलता है। ठीक है, कार एंड बाइक्स के ऊपर भी ज़रूर आप अपना ब्लॉग बनाएं। आप taajatime.com देखे होंगे, उस पे जो है ना ऑटोमोबाइल से रिलेटेड बहुत सारे कंटेंट आते हैं और वही कंटेंट सबसे ज़्यादा गूगल डिस्कवर में जाता है। ठीक है, तो कार एंड बाइक्स पे क्या है ना CPC भी अच्छा मिलता है, तो इसकी वजह से इस पे कंटेंट लिखना वर्थ इट होगा 2024 में। ठीक है, अब हमारा लास्ट यहाँ पे नीश हम आपको बता देते हैं, लास्ट है इन्वेस्टिंग। पर्सनल फाइनेंस और इन्वेस्टिंग से रिलेटेड अगर आपके पास नॉलेज है तो ये सबसे बेहतरीन ब्लॉग नीश आइडिया हो सकता है। इसके ऊपर आप कंटेंट लिखिए, साथ ही साथ इसमें ना आप इन्वेस्ट कैसे, पैसे को इन्वेस्ट किया जाता है, पैसे से पैसे कैसे कमा सकते हैं, ये सारी चीज़ें जैसे ट्रेडिंग हो गया, म्यूचुअल फंड हो गया, बहुत सारी चीज़ें होती हैं इसके अंदर, इन्वेस्टिंग के अंदर। तो पैसे इन्वेस्ट करने के बारे में और पैसे से पैसे बनाने के बारे में अगर आपके पास नॉलेज है तो इन्वेस्टिंग के ऊपर आप अपना एक ब्लॉग नीश जरूर शुरू करें। ब्लॉग शुरू कर देंगे ना तो इसमें बहुत ही जल्दी गूगल एडसेंस का अप्रूवल भी मिलता है, और साथ ही साथ गूगल एडसेंस अप्रूवल तो मिल जाएगा लेकिन CPC जो होगी ना वो बेस्ट आपको मिलेगी, बहुत ही अच्छी CPC इसके अंदर आपको मिलने वाली है। एंड अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो, आपको ब्लॉगिंग सीखना है, आप सोच रहे हो कैसे शुरू करें, तो चैनल पे आप विजिट कर सकते हो और चैनल पे विजिट करके जान सकते हो कि हम कैसे ब्लॉग शुरू कर सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं और पैसे कमा सकते हैं। वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा और सब्सक्राइब करिए चैनल को। धन्यवाद।